ये है स्वदेश वाणी। नमस्कार, शुभ संध्या, जोहार। 10 फरवरी 2021 की खबरों के साथ ये है स्वदेश वाणी। आइए सुनते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। म्यांमार में सेना के खिलाफ प्रदर्शन जारी। देश के अलग अलग हिस्सों में सुबह से ही लोग सड़कों पर उतर आए। दूसरी तरफ सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट और टियर गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से कर्मचारियों ने ऑफिस जाना छोड़ा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान का इस्तीफा मांग रहे विपक्षी दलों ने की बड़ी रैली। यह रैली सिंध प्रांत के हैदराबाद में की गई। विपक्ष का आरोप है कि इमरान के दौर में मुल्क तबाह हो गया। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी की जारी। दूतावास के अधिकारी ने भारतीयों को यूएई से होकर सऊदी अरब या कुवैत न जाने की सलाह दी है। आइए सुनते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना से रिटायर हो चुके एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट को तोड़ने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए स्टे दे दिया। आपको बता दें कि आईएनएस विराट ने करीब 30 साल तक समुद्री तटों पर निगरानी की है। ट्विटर को सबक सिखाने की तैयारी में केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को देसी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ज्वाइन करने का किया ऐलान। सहारनपुर किसान महापंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी। किसानों से कहा, एक कदम मत हटिए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। चमोली जिले में आई आपदा के बाद तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट की लंबी टनल में फंसे करीब 34 लोगों को बाहर निकाला गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आइए सुनते हैं अपने झारखंड की कुछ खबरें। निर्भया फंड से राज्य भर के 30 स्थानों में बनेगी महिला हेल्प डेस्क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करने का दिया आदेश। निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। हेमंत सरकार ने राज्यसभा चुनाव में बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को लालच देने और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब को धमकाने के आरोप में किया था निलंबित। आइए सुने कुछ खबरें खेल जगत की। मेलबर्न में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन में जोकोविच ने 3.5 घंटे में टियाफो को हराया। 19वीं बार तीसरे राउंड में पहुंची सेरेना। भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की बल्लेबाजी सूची में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने 5वें स्थान पर खिसकाया। जो रूट अब तीसरे स्थान पर पहुंचे। ये थी अब तक की खबरें। इसके अलावा अन्य खबरों की जानकारी के लिए आए हमारी वेबसाइट swadeshwani.com पर या हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।